हेलो एवरीवन, आई एम शिवम गुप्ता, ओनर एंड फाउंडर ऑफ 3D लर्निंग एकेडमी, इट्स एन ऑनलाइन कोचिंग फॉर कैट्स, एड एंड मैट्स, स्नैप एंड एफटी। मॉक जोन इज बेसिकली ऑन बाय 3D लर्निंग एंड फोकस ऑन मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स एक्सेट्रा। सो गाइस, टुडेज वीडियो इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस हु आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर दैट एग्जाम, बिकॉज दैट हैज फाइनली अनाउंस्ड इट्स नोटिफिकेशन फॉर दैट 2021 एग्जाम। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड द टेस्ट स्ट्रक्चर। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट काम कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, बिकॉज काफी लोग हैं जो इस तरह के वीडियोज देख नहीं पाते हैं, तो लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा तो उनको भी दिख जाएगा। एंड सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप मिस करोगे तो आपके लिए लॉस है, क्योंकि मैं सबका वीडियोस बनाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंटेंट बेस्ड वीडियो बनी रहे हैं डेली कंसेप्ट वीडियो सीरीज के नाम से। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोज वगैरह भी काफ़ी बन रहे हैं, जीके के बन रहे हैं काफ़ी वीडियोज, तो कर रहो सब्सक्राइब, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जैड का रिसेंटली एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें बताऊंगा बुक्स कौन सी रेफर करनी है और प्रॉपर मटेरियल कौन सा रेफर करना है। उस मटेरियल को रेफर करने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा कहीं से, और बहुत इजीली आपका जैट निकलेगा, ठीक है। चलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गाइस, अभी आया है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 10 12 मिडनाइट से, या एंड होगा 30 नवंबर तक, यू कैन रजिस्टर फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो 30 नवंबर तक, काफी टाइम है अपने पास, ठीक है। 12 मिडनाइट एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, दिसंबर 20 दिसंबर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम जैट का 3rd जनवरी है, ठीक है। एंड टाइमिंग है 9:30 AM to 12:30 AM। तो गैस, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस को जो काफ़ी लग रहा था लोगों के, क्या होगा, कैसे एग्जाम्स होंगे, जैट में कोई भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है, ठीक है। मतलब एग्जाम 3rd जनवरी को ही हो रहा है, जनवरी फर्स्ट वीक में हमेशा होता था, अभी भी हो रहा है। गैस, अब देखो सारे एग्जाम्स टाइमली मेरे ख्याल से होंगे, क्योंकि अब नीट और जब जी हो सकता है, 28 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं, वो जब एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, तो ये कैट जैट दो दो तीन तीन लाख वाले हैं, ठीक है। कैट ही ज़्यादा है, जैट में इतने भी नहीं बैठते हैं, 70-80 हज़ार होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स गैस होंगे, और काफ़ी लोग एनमैट के लिए भी बोल रहे हैं कि एनमैट की नोटिफिकेशन कब आएगी, तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। और ऐसा भी है कि नोटिफिकेशन अगर आएगी मान लो 15 तारीख को, तब भी आपका 7 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, तो ये मैं सोचो कि नवंबर में स्टार्ट होगा एनमैट का, ठीक है। तैयारी पूरी रखो गैस, ठीक है। तो चलो जैट की बात करते हैं अभी। तो जैट का जो एग्जाम का ये डेट्स वगैरह देख लिया आपने, कमिंग टू द टेस्ट पैटर्न, तो जैट का में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं गाइस। ये हमारे पास जैट एग्जाम 2020 का पैटर्न है, ठीक है। 2021 का बताया नहीं लोगों ने अभी, बट ज्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि 2019 से 2020 में ज्यादा चेंजेस नहीं थे। 3 आवर्स का टेस्ट होता है, 4 सेक्शंस होते हैं, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज, ठीक है। DI, क्वांट्स, DM एंड GK। इसमें GK जो होता है उसका वेटेज परसेंटाइल में नहीं होता है, बाद में होता है इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है। कमिंग टू द टोटल, जो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 26 क्वेश्चंस होते हैं वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के, 21 DM के होते हैं, 28 क्वांट्स एंड DI के होते हैं, एंड 25 GK के। तो गैस, सब काफ़ी लोग डरते हैं जैट से कि जैट बहुत बड़ा पेपर है। गैस, जैट ने अपना लेवल बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया है क्वांट्स के केस में। पहले क्वांट्स से टफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टफ आते थे कि बताया था कि अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी क्वांट्स से कर लो तो आपका जैट निकल जाएगा, बट अब गैस नहीं है ऐसा, जैट ईजी हाइप्ड है, ठीक है। लोग डरते हैं डिसीजन मेकिंग से, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा टफ नहीं, गैस बहुत अच्छा सेक्शन है, एक तरह का प्रैक्टिकल सेक्शन है, डिसीजन आपको कैसे लेने के लेने, सिनेरियो बेस्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आप हमेशा एथिकल रहो, ठीक है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा DM पे, यही बताऊंगा कि कैसे करना है, DM पढ़ना कैसे, काफ़ी लोग कभी भी पेंग आ चुके हैं ऐसी नोटिफिकेशन आई, बहुत ईजी है। पिछले 5 साल के पेपर उठाओ सेट के, वो करो सॉल्व, 5 मॉक्स लो वो करो। गैस, ये स्पीड बेस्ड पेपर नहीं है, दो तरह के पेपर होते हैं, मैंने बताया था, एक स्पीड बेस्ड होता है, एक नॉर्मल होता है। इसमें 3 घंटे में आपको प्रैक्टिकली देखा 75 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन जीके के इतने मैटर नहीं करते, 10 मिनट में हो जाएंगे वो, तो 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे, हो जाता है जनरली लोगों का, ठीक है। तो इसमें आपके 5 मॉक्स इज मोर देन इनफ, आप देना चाहो दे सकते हो 10 मॉक्स, बट 5 मॉक्स मोर देन इनफ है। तो जैट का आपको DM की जो स्ट्रैटेजी होती है, पिछले 5 साल के आप DM के अच्छे से कर लो, ठीक है, और समझ के करो कि आप हमें कभी भी किसी भी केस में रॉन्ग नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। अगर आप चाहे जो भी जितनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, बट कुछ गलत हो रहा है किसी साथ, वो गलत है, ठीक है। सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलना होता है हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। चाहे कंपनी का जितना लॉस हो जाए, आप गलत नहीं करोगे, आपको ये ध्यान रखना है जैट में हमेशा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, आपका हमेशा आंसर सही होगा। बाकी इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, जिसमें मैंने बोला 5 साल के जैट के पेपर्स और 5 मॉक्स जो भी आप दोगे, ठीक है, इट इज मोर देन इनफ होने का, ठीक है। तो आप कुछ रूल्स वगैरह होते हैं वो कर लेना, हो जाएगा जैट। बाकी क्वांट्स वगैरह का लेवल काफी कम कर दिया, मैं आपको बताऊं, सरप्राइज हो जाओगे आप, 2017 में स्नैप की जो क्वांट्स थी, इट वॉज डिफिकल्ट दैन कैट, इवन जैट, कैट जैट से भी ज्यादा टफ थी, ठीक है। तो
रीजन ये है कि अब जैड में टफ नहीं आती कॉइंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं कॉइंट्स के, तो आप डरो मत, जैड एक बहुत अच्छा एग्जाम है गाइस। आपके पास काफी ऑप्शन होते हैं, एसपीजे वगैरह, एमटी गाजियाबाद वगैरह, एक्सएलआर एग्जाम भी तो है ही है, ऑब्वियस बात है, तो उसको अच्छे से दो। जो लोग नहीं देना चाह रहे हैं, पहले लोग डरते थे मैथ्स के से देते नहीं थे, बट ऐसा मत करो, अगर आप कैट के लिए पढ़ रहे हो तो यू कैन इजली डू फॉर जैड एज वेल। थोड़ा बहुत कुछ ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं जो मेट्री वगैरह के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो हो जाएंगे कवर, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप कुछ क्रैश कोर्स ले लेना, कुछ भी ले लेना, हो जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज़ और है, मार्किंग स्कीम जो होती है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक चीज़ यहाँ पे और होती है कुछ अजीब टाइप की है, वो ट्रैप टाइप का, एक तरह से कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप 8 से ज़्यादा क्वेश्चन लीव करते हो तो आपको 0.1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है एक क्वेश्चन से, तो इतना मैटर नहीं करता गाइस, ये सब खाली ट्रैप है आपका कि आप अटेम्प्ट ज़्यादा करो, ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो, जितना आपको आता है उतना करो, उतना मैटर नहीं करता। 10 क्वेश्चन भी छोड़ोगे तभी आपका एक ही नंबर जाएगा, ठीक है। 8 के बाद 10 छोड़ोगे, मतलब 18 छोड़ोगे, तो इतने छोड़ने चाहिए भी नहीं है, ठीक है। तो वो सब सोचो मत, ये कुछ बस ऐसा ही है कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव हो जाए उनका, ठीक है, उतना मैटर नहीं करता गाइस। अच्छे से आप करो, जितना आपको आता है तब भी आपका हो जाएगा अच्छा, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करना, एनी टाइम पे मत करना कुछ, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तो आप अभी भी कर सकते हो स्टार्ट, थोड़ा बहुत करते रहो, हॉबी की तरह। डिसीजन मेकिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। कोई कंपनी का सीईओ है, अचानक से कोई डिफेक्ट आ गया तो क्या करना चाहिए, सीईओ को कुछ नहीं करना चाहिए, सीईओ को सबको बताना चाहिए, सीईओ को सबके डिफेक्ट सही करना चाहिए, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो मतलब बता दिया मैंने आइडिया, काफी को पता ही नहीं होगा होता कैसे, इसलिए, ठीक है। तो गैस अच्छे से करो और जैड को एक अच्छा एग्जाम लेके चलो, आपका जैड निकलेगा और काफी लोगों का होता है कन्वर्ट, एक्सएलआरआई वगैरह, एक्सएम एमबी भी होता है, ठीक है। और मैं डिटेल्स दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, और कुछ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई अगर डाउट आती है यू कैन पिंग मी एट 8604734785 मेरा नंबर है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया सैड का तो कर लो, नीचे लिंक है उसका सैड का, ठीक है। और बाकी ग्रुप्स भी हैं, बड़े बड़े ग्रुप से, उनको भी ज्वाइन कर लो, सेशन वगैरह होते हैं उसमें। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो गाइस, मॉकजोन फॉर एमबीए के नाम से @, ठीक है। काफी आगे जाके हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, अभी तो ज्यादा पोस्ट नहीं हो रहा है, बट होगा आगे, ठीक है। अगर टेलीग्राम में आप ऑलरेडी हो, मुझे पिंग करना है, तो मॉकजोन के नाम से मैं वहाँ पे हूँ, मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो।